खबर मथुरा से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तबलीगी जमात में शामिल लोगों पर बरसते हुए नजर आए। श्रीकांत शर्मा ने इनके द्वारा की जाने वाली हरकतों से पर्दा हटाते हुए कहा कि जहां एक ओर पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वहीं इन लोगों द्वारा जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया। बीमार होने के बावजूद भी ये लोग वहां से भाग खड़े हुए और हॉस्पिटल में भी इन लोगों ने नर्स स्टाफ के साथ गलत हरकत की है। कोरोना एक महामारी है, इसको रोकने के लिए पूरा मुल्क आज इकट्ठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी लोग लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ तबलीगी जमात के लोग गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं और कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। पहला गुनाह आपको जानकारी थी, उसके बावजूद भी निजामुद्दीन में आप इकट्ठे हुए। दूसरा गुनाह आप बीमार थे, आपको जानकारी थी, फिर भी वहाँ से भागने की कुछ लोगों ने कोशिश की और आप देश के अलग अलग शहरों में जाकर छुप गए। जब आपको पकड़ा गया, डॉक्टरों ने आपका चेकअप किया, आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद आपने नर्सों पर डॉक्टरों पर थूकने का काम किया, आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उससे भी बड़ा गुनाह, आप जब आलोचना हुई, जब पकड़े गए तो आपने धर्म की चादर ओढ़ ली, हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की। ये बहुत शर्मनाक है। तो तबलीगी जमात का ये कृत्य आलोचना से परे है, क्षमा से परे है। एक ऐसा गुनाह है जिसके खिलाफ, जिसकी सजा निश्चित रूप से इन लोगों को मिलेगी। कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों पर और पुलिस कार्मिकों पर या कोरोना के किसी भी योद्धा पर अगर कहीं कोई हमला करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ NSA के तहत हम कठोर कार्रवाई करेंगे।